अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। रोकथाम की तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार जमकर फल फूल रहा है। हालात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अति महत्वाकांक्षी आवास योजना भी नौकरशाहों व उनके अधीनस्थों के लिए कमाऊ साधन बन गई है। मकान दिलाने के नाम पर मोटी रिश्वत वसूली जाना यहाँ पर आम हो गया है, वह भी ईमानदारी के नाम पर। भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा विवाद में रहने वाला डूडा का दफ्तर एक बार फिर से सुर्खियां बन गया है। यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर अमित का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति 20,000 रुपए के नए नोट गिनता व अमित द्वारा उन्हें एकदम पकड़कर जेब में रखते हुए देखा जा सकता है। अमित व डूडा कार्यालय के भ्रष्टाचार से परेशान शख्स ने इस आशय की वीडियो वायरल की है। वीडियो वायरल होते ही अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार को जांच सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि अमित ने अच्छी खासी बेनामी संपत्ति भी जुटा रखी है, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। देखिए वह वीडियो। हमने 20,000 तय रखे सबसे, ठीक है। आने के बाद पैसे लेंगे, पहले 1 रुपया ले रखे। बाथरूम चालू रखा है? बाथरूम चालू रखा है, बंद है। ये तो लेडीजों के लिए है। लेडीज को इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।